आज हम आपको रोड जर्नी करवाएंगे कटरा रेलवे स्टेशन से लेके चिनाब ब्रिज, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज तक आप रोड किस प्रकार से पहुंचते हैं, और साथ में कटरा रेलवे स्टेशन से लेके चिनाब ब्रिज बक्कल एंड तक कितने धर्मस्थल आते हैं वो भी दिखाने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं आरजे प्रोडक्शन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाणगंगा ब्रिज, जो कटरा रेलवे स्टेशन से बिल्कुल पास में पहला ब्रिज आता है, जिसके ऊपर पटरी बिछने का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। ये पहला ब्रिज आता है कटरा बनिहाल सेक्शन के बीच में। यहाँ देख लीजिए किस प्रकार से इसकी जो इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, सामने देख लीजिए, और साथ में जो पर्वत हैं ये हैं जिसमें माँ वैष्णो देवी विराजमान है। यहाँ देख लीजिए हरे भरे पहाड़, पहाड़ों के बीच में से ये अप्रोच रोड बनाया गया, और यहीं से आपके सामने है यहाँ पर जो माँ वैष्णो देवी भवन जाने के लिए नया मार्ग ताराकोट मार्ग बनाया गया है, यहीं से स्टार्ट होता है जो बाणगंगा ब्रिज है उसके बिल्कुल पास में से। यहाँ देख लीजिए इसके नीचे से हम गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे चिनाब ब्रिज की तरफ, और साथ साथ में जैसे जैसे धर्मस्थल आते जाएंगे वो भी आपको उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देख लीजिए कितना सुहावना वेदर था जब हम कटरा रेलवे स्टेशन से आगे की तरफ जर्नी कर रहे थे, तो सामने देख लीजिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये है बाबा गारजितो टेम्पल। जब कटरा रेलवे स्टेशन से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे सबसे पहला यही मंदिर आएगा। यहाँ देख लीजिए इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आप बोलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास करेंगे। जिसको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बाबा गारजितो की हिस्ट्री के बारे में आपको पता है। और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके सेकेंड जो धर्मस्थल आएगा वो आएगा नौ देवी गुफा, जिसमें नौ सामने देख लीजिए कितना ज़्यादा यहाँ पर रश है, यहाँ पर इसके दर्शन करने के लिए नौ देवियों यहाँ पर विराजमान है। जब हम कटरा रेलवे स्टेशन से निकलते हैं तो हल्की हल्की बारिश भी जोरों शोरों से, और देख लीजिए बादल किस प्रकार से ऊपर पूरा कोहराम बचाए हुए हैं। यहाँ देख लीजिए तस्वीरें आपके सामने हैं, कितना एक सुहावना वेदर था जब कटरा रेलवे स्टेशन में हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ा थोड़ा रास्ता भी गंदा है बट ठीक है। आगे की तरफ देख लीजिए, यहाँ से अब रियासी जो मेन सिटी है उससे आगे की तरफ बढ़ते हुए ज्योतिपुरम जिसका नाम है यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे बिल्कुल पास में सलाल रेलवे स्टेशन की कॉलोनी है, और आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे हम आपको सलाल डैम भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले जो धर्मस्थल आते थे उसके बारे में हम थोड़ा कवर नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ देख लीजिए ये तस्वीरें आपके जो बाउंड्री सब कुछ दिख रही है, ये सलाल प्रोजेक्ट NHPC की जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ की है, और साथ में यहाँ पर लीजिए तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ देख लीजिए नीचे पूरी आपको NHPC ज्योतिपुरम की कॉलोनी, अगर आप कभी यहाँ पे आए होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में, अगर नहीं आए तो जब भी आएंगे आप तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको कटरा रेलवे स्टेशन से लेके बक्कल एंड तक किस प्रकार से आप पहुँच सकते हैं उसके बारे में पूरी आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देख लीजिए आगे जो आपको इस समय पर्वत देख रहे हैं, इसका लेडी माउंटेन भी इसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए ऐसा लगता है कि कोई सोया हुआ है सामने पर्वत। और यहाँ पे नीचे देख लीजिए ये गांव जो है इसे बिड्डा बोला जाता है, पवनपुर बिड्डा बोला जाता है इसे। यहाँ पे 24 आवर्स इतनी तेज़ हवा चलती है उसी को देखते हुए आंकलन किया गया है। यहाँ पे हो सकता है आने वाले कुछ समय के बाद यहाँ पे विंड पावर प्रोजेक्ट को भी लगाया जाए। यहाँ पे इसके बिल्कुल पास में सलाल पावर स्टेशन जिसकी कैपेसिटी 690 मेगावाट है, बहुत छोरों छोरों से वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। वो 1987 में उसको कमीशन किया गया था उस प्रोजेक्ट को। यहाँ देख लीजिए किस प्रकार से ब्लॉक टॉपिंग की गई है, क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादा ज़्यादा टूरिस्ट जैसे बढ़ते जाएंगे, अब जैसे जैसे वो कंप्लीट हो चुका है उसके बाद टूरिस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ को मैं बता दूँ कि इससे पहले जहाँ से हम स्टार्ट किया था वहीं से अंजीखट ब्रिज को भी बिल्कुल रास्ता जाता है, मेन सिटी में रास्ता जाता है। इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टेट ब्रिज जो कि बनाया जा रहा है ग्राम में, उसका उसकी पास में रियासी रेलवे स्टेशन भी है, उसकी मैंने आपको जर्नी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं आपको, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा वो भी देख लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए नीचे अभी आपके सामने है सलाल पावर स्टेशन, इसकी तस्वीरें आपके से दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देख लीजिए सामने इसका जो डैम स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका डैम का स्ट्रक्चर दिख रहा है दूर से, और जो रिजर्वायर लेवल है वो भी सामने दिख रहा है आपको कितना ज़्यादा भरा हुआ है। यहाँ देख लीजिए किस प्रकार से अप्रोच रोड बनाया गया है, ये ग्रिफ का रोड है, अप्रोच रोड नहीं बनाया गया है। ये आगे जो सिटीज़ हैं मोहर आगे अगर कोडियन की तरफ जाना होगा तो आगे की तरफ इसको बिल्कुल जाना पड़ेगा, बट हम आगे अब नेक्स्ट जो छोड़े से 1.5 किलोमीटर की दूरी से हम टर्न अंदर की तरफ करेंगे। यहाँ देख लीजिए पूरी की पूरी ब्लैक टॉपिंग पूरी करके रखी हुई है, यहाँ पे ग्रिफ की तरफ से एक अच्छा रोड को बनाया जा रहा है। यहाँ देख लीजिए कितने बड़े बड़े पर्वतों को काटा गया है, और सामने जो इस समय आप नीचे जी रिवर देख रहे हैं इसका नाम है चिनाब रिवर, और उसी के ऊपर बनाया गया है
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। यहाँ से हम टर्न करेंगे अंदर की तरफ, बक्कल एंड की तरफ जाएंगे। अगर आपको कोड़ी एंड की तरफ जाना होगा तो बिल्कुल आगे की तरफ जाना पड़ेगा। हम यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे। ये अप्रोच रोड चुनाव ब्रिज के लिए बनाया गया है। पहले ये रोड नहीं था, जब से चुनाव ब्रिज का जो काम है जोरों शोरों से चला तब से इस रोड को पहले बनाया गया, उसके बाद चुनाव ब्रिज का काम स्टार्टिंग हुआ था। यहाँ देख लीजिए इतना लंबा टनल बनाया गया है। अगर ये, मुझे नहीं लगता कि अगर ये यहाँ पे चुनाव ब्रिज नहीं बनता तो अभी तक ये सुरंग, इतनी लंबी लंबी सुरंगें खोदी जाती और इतने बड़े बड़े पर्वतों पहाड़ों को काट के इस रोड को बनाया जाता है। डेवलपमेंट भी बहुत काफ़ी हुई है इसके आसपास। पहाड़ों में जितने भी रोड लोग रहते हैं, जितने भी पब्लिक रहती है यहाँ पे, अब थोड़ा थोड़ा हमें चुनाव ब्रिज भी दिखने वाला है। स्टार्टिंग में यहाँ पे लीजिए थोड़ा सा आपको अगर दृश्य दिख रहा हो सामने, तो वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं। यहाँ देख लीजिए, ये पूरा का पूरा अप्रोच रोड है चुनाव ब्रिज को जाने के लिए। दोनों तरफ यहाँ पे सिंगल रास्ता है, पर एक आसानी से आप जा सकते हैं। बिल्कुल साफ रास्ता है, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे हरे भरे पहाड़ हैं पूरे के पूरे। और यहाँ पे गर्मियों के दिनों में भी इतनी तेज़ हवा चलती है, मानो एक मज़ा अलग वाइब आती है यहाँ पे जाने के बाद। मैं बहुत बार गया हूँ, पूरा साफ क्लियर मौसम और साथ में यहाँ देख लीजिए ये भी जो ब्रिज बनाए गए हैं, ये भी अप्रोच रोड की तरफ चुनाव ब्रिज के लिए ही बनाए गए थे, बट अब यहाँ पे लोगों भी आगमन कर सकते हैं इस ब्रिज के जाने के लिए। दो ब्रिज थे, इसको हम जैसे जैसे क्रॉसिंग करेंगे आगे देख लीजिए किस प्रकार से। एक और ब्रिज स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, किसी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रहती है तो उसे रोकने के लिए भी बनाए गए। यहाँ देख लीजिए छोटा सा स्पीड ब्रेकर आ गया, अब आपके आगे ये ब्रिज फिर से आ गया क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लंबी खाइयाँ थी, तो इसको हमें ब्रिज को की तरफ कन्वर्ट किया गया है। अब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको बक्कल गांव आएगा, वहीं पे बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की एक आर्च। दूसरी आर्च कोड़ी एंड में है, जो बनिहाल सेक्शन की तरफ से भी बोल सकते हैं हम, जो बक्कल एंड है इसे हम रियासी सेक्शन की तरफ से भी बोल सकते हैं। रियासी सेक्शन के बिल्कुल पास में जो बनाया जा रहा है 777 की क्वार्टर की लॉन्चिंग हुई है, उसके ऊपर सलाल रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, और उससे पहले आएगा रियासी रेलवे स्टेशन और अंजी घाट ब्रिज, पहला केवल स्टेट ब्रिज। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चुनाव ब्रिज के बिल्कुल पास में हम आज आपको लेके चलेंगे। यहाँ देख लीजिए यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं एक सुंदर दृश्य और कितना एक अप्रोच रोड बनाया गया है, पर पहाड़ों को काट के दोनों साइड आपको बड़े बड़े पहाड़ और साथ साथ में हरे भरे पेड़ दिखेंगे। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख लीजिए किस प्रकार से सुहावना वेदर आता जाता है और एक अलग सी वाइब आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा थोड़ा आपको अगर दृश्य दिख रहे हो, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की मेन आर्च। यहाँ देख लीजिए आगे की तरफ एक टिप्पर जाता हुआ, ये आई थिंक कुछ सामान लेके जा रहा है चुनाव ब्रिज का, किसी पार्ट लोग लेके जा रहा होगा या किसी बजरी बालू शालू लेके जा रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये इतनी स्पीड से जा रहा था कि हमने इसको क्रॉसिंग करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम भी चाहते थे कि हम आपको एक पूरा कवर वीडियो अच्छी तरह से वीडियो दिखाने का प्रयास करें। यहाँ देख लीजिए अब नीचे जो गांव भी आता हुआ, यहाँ पे लोग भी रहते हैं, इनको कितना प्राउड मोमेंट फील होता होगा जब यहाँ पे ये रहते होंगे, एक दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इनके गांव में बनाया जा रहा है। एक अच्छा वेदर और साथ साथ में उसको, यहाँ पे आपको बता दूँ कि हर समय एक अलग सा मौसम रहता है, ना ज़्यादा बारिश होती है और ना ज़्यादा यहाँ पे ठंड रहती है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है, एक अलग सा मौसम यहाँ पे बना रहता है क्योंकि पहाड़ों के बीच में। यहाँ पे आपको बता दूँ कि बर्फ़बारी बिल्कुल नहीं होती है, सामने जो पहाड़ हैं उनके ऊपर बर्फ़बारी होती है पर यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अलग सा क्लाइमेट बना रहता है, मौसम बना रहता है। और सामने देख लीजिए आपके दुनिया के सबसे ऊँचे रेलवे ब्रिज के आपको तस्वीरें, एक वीडियो दिखती हुई, क्लिप्स दिखती हुई सामने, एक अलग वाइव आती हुई जब हम बिल्कुल पास में जा रहे थे। यहाँ देख लीजिए थोड़ा रास्ता भी बीच बीच में गंदा था, बट फिर भी हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। हम बाइक लेके गए थे, आपको बता दूं अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो रास्ता भी बिल्कुल साफ साफ आता जाता है, और साथ में ज़्यादा यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ मिलती हैं, जैसे टिप्पर हो गए जो सामान को लेके जा रहे हैं आ रहे हैं, वही मिलते हैं यहाँ पे। वर्कर्स जाते हैं बाइक से, वो भी मिलते हैं यहाँ। लीजिए कितने सारे वर्कर्स भी बाइक्स भी जाती हुई सामने आपके। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर पिक्चरें आपको दिखेंगी दुनिया के सबसे ऊँचे रेलवे ब्रिज की।
आपको बिल्कुल हम बक्का लैंड के जैसे तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस समय दिखता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। यहाँ देख लीजिए सामने पहाड़ों पे ऐसे लगता है कि बादल आ चुके हैं। मैंने आपको एक बार वीडियो यहाँ से जहाँ से हम आपको नीचे की तरफ टर्न करना पड़ेगा, अगर आप इसको देखने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ से टर्न करना पड़ेगा आगे की तरफ। यहाँ पर थोड़ा रास्ता गंदा है आपको मैं बता दूँ कि, बट फिर भी यहाँ पर ज़्यादा गंदा नहीं, 200-300 मीटर ही गंदा है, उससे बिल्कुल आप पास में आप इस ब्रिज को देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए यहाँ से बक्कालैंड की जो डेक लॉन्चिंग का काम किया गया है वहाँ से स्टार्ट होते हुए आगे तरफ देखिए किस प्रकार से इस समय दिखता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। हम सभी वर्कर्स और इंजीनियर्स को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इस ब्रिज को बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। किस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपको।